आज जो हम बात करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ सेट, यानी कि सेट की हिस्ट्री क्या है और सेट को किसने स्टेब्लिश किया था, क्या कारण थे उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो बताएंगे आपको कि हिस्ट्री ऑफ सेट क्या है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, आज से लगभग 120 साल पहले एक 19वीं शताब्दी के महान जर्मन के कर्तज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर 1845 से 1918 के एक महान कर्तज्ञ थे। इन्होंने अपने ही समय में एक जो है सूत्र स्थापित किया जिसे सेट थ्योरी के नाम से जाना जाता था। देखिए, सेट थ्योरी बेसिकली अगर आप देखें तो सेट थ्योरी आपके ही घर के बेसिक कंटेंट से निकाला गया एक फॉर्मूला था जिसे ये लोग नहीं पहचान पाए, जिसे जॉर्ज केंटर ने पहचाना था। एक दिन अपने फ्रेंड के साथ वर्क करने के साथ साथ ही उन्होंने देखा कि हम हर एक घर की चीज को इकट्ठा करके रख रहे थे, तो उन्होंने उसको ग्रुप का नाम दिया, ग्रुप यानी कि एक सेट का नाम दिया। देखिए कि समुच्चय की संकल्पना या अवधारणा यानी कौन भाषा में इसका प्रयोग करते रहते हैं। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं को समूह रूप में, देखिए बहुत सी वस्तुओं को समूह रूप में ही जानते हैं और उनके लिए शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खिलाड़ियों की टीम, सोफा सेट, टी सेट, देख पा रहे हो टी सेट और लेमन सेट, टी सेट, लेमन सेट, डिनर सेट, ज्यामिति के उपकरणों का सेट इत्यादि, इन सभी उपकरणों के समूह या संग्रह का बोध कराता है। तो गणित की भाषा में उसे समूह या संग्रह के लिए समुच्चय का नाम दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम जो अपने डेली बेसिस की लैंग्वेज में जिन बातों का जिक्र करते हैं और जिन बातों से हम उन्हें ग्रुप का नाम देते हैं, वही जॉर्ज केंटर ने उन्हें ही एक सेट को कहा, ठीक है, कि यही आपका एक सेट है क्योंकि इनकी कंडीशन जो है डिपेंड होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जॉर्ज केंटर द्वारा जो है सेट की डेफिनेशन जो दी गई थी वो ये थी कि वस्तुओं के सुपरभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के संग्रहित प्रत्येक वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाती है, यानी संग्रहित जो वस्तु होती है वो तो उसका जो है एलिमेंट कहलाती है, ठीक है, संग्रहित जो वस्तु होती है वो तो उसका अवयव कहलाती है और सुपरवासित जो होती है वो जो है संग्रह कहलाती है, ठीक है। बाय अ सेट वी शैल अंडरस्टैंड एनी कलेक्शन इन टू अ होल एम ऑफ डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एम विच बी कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एम ऑफ आवर इंट्यूशन और ऑफ आवर थ्योरी, ठीक है। तो जो ये डेफिनेशन दी जॉर्ज केंटर की कि आप सेट को क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है तीन शब्दों का जिक्र किया कि सुपरवासित क्या होता है। देखिए, सुपरवासित यहाँ पर दिया गया है कि सुपरवासित किसे कहते हैं, जॉर्ज केंटर ने बोला, हम इसको बताएंगे कि सुपरवासित किसे कहते हैं, संग्रहित किसे कहते हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं वस्तु शब्द का जहाँ व्यापक रूप में लिया गया है। देखिए, वस्तु शब्द यहाँ व्यापक रूप में लिया गया है, भौतिक वस्तु है, यानी वस्तु हम कह सकते हैं कोई किसी भी चीज का कोई भी कलेक्शन, ठीक है। वस्तुओं के अतिरिक्त संख्याएं भी हो सकती हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं, विचार आदि दृष्टि, हाँ, गति की दृष्टि से वस्तुओं का समूह किसी प्रकार का हो सकता है। दूसरा है सुपरवासित समूह से तात्पर्य है कि ऐसे समूह से है जिसमें के अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। अब देखिए, सुनिश्चित और सुस्पष्ट का क्या है, देखिए सुनिश्चित का मतलब यहाँ पर देखिए, सुनिश्चित का मतलब है कि कोई भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये फिक्स है ना, कि भली बात ही उसका कोई भी जो जो उसकी कंडीशन है वो निश्चित है यानी कि फिक्स है, और सुस्पष्ट यानी कि आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये भाई मान लीजिए कि कोई आपके आपकी नजर में कोई होशियार है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी लोग होशियार हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो होशियार नहीं हो, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये बंदा जो है, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट टीम के प्लेयर, तो आपको पता है कि क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, स्पष्ट है यहाँ पर कि ये प्लेयर जो है वो क्रिकेट टीम के हैं, तो ऐसे ही स्पष्ट होना चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी कक्षा में लंबे छात्रों का समूह समुच्चय नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्येक छात्र लंबा है या नहीं, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैं बता रहा था कि होशियार की कंडीशन थी, होशियार यानी कि इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट की कंडीशन थी, वैसे वही सेम जो कह दिया है कि लंबे होने की कंडीशन है,
वास्तव में लंबा होने का गुण जो है सुपरभाषित नहीं है, क्योंकि जिस छात्र को कोई व्यक्ति लंबा समझ रहा है वो किसी न किसी व्यक्ति से छोटा भी हो सकता है या समान भी हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में हम जो कहेंगे वो सुपरभाषित नहीं होगा, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समूह, देखिए समूह में संग्रहित वस्तुओं को सजातीय नहीं है। सजातीय का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वस्तुएं आपके सेट में है जरूरी नहीं है कि वो एक ही कैटेगरी की हो, अलग अलग कैटेगरी की भी हो सकती हैं। जो वस्तुएं आपके सेट में है जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी एक ही कैटेगरी की हो, आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी आप जो है सेट बना सकते हैं या एलिमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आदि विजातीय वस्तुओं भी किसी समुच्चय के अवयव हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समुच्चय के संकेतन पर, यानी कि नोटेशन। सेट नोटेशन होता है, आप समझ लीजिए कि आपका इंग्लिश वर्ड माला जो होती है, इंग्लिश की वर्ड माला जो होती है, उसके जो अक्षर होते हैं ए बी सी डी ए टू जेड के अल्फाबेट, यानी कि हम कैपिटल ए टू जेड के अल्फाबेट से हम उन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोटेशन के लिए हम जो करने वाले हैं वो क्या रहेगा, हमारा नोटेशन करेंगे हम के कैपिटल वर्ड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो कैपिटल वर्ड जो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, उनसे हम इसे नोटेट कर सकते हैं, किसको, सेट को। ओके, अब निरूपण की बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन में हम इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर, और दूसरा होता है रोस्टर, क्या होता है, रोस्टर मेथड। ठीक है, इससे आगे की बात करें तो इससे आगे हमारा जो है टाइप ऑफ सेट आता है, कि टाइप ऑफ सेट जो है कैंटर ने कितने दिए थे, टाइप ऑफ सेट और थ्योरी ऑफ थ्योरम ऑफ सेट। ठीक है, ये आगे की कंडीशन रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं।